प्रदेश में 3 दिन गर्मी अपने परवान पर रहेगी, तो वहीं प्रदेश की राजनीति की गर्मी भी अगले 3 दिन तक तेज रहेगी। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान में अपनी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें, प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद प्रदेश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनावी मतदान है। दरअसल इन 13 सीटों पर में से 8 सीटें हॉट सीट बन गई है, लेकिन अगर 2 सीटों की बात करें तो बाड़मेर और बांसवाड़ा, वहां त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। अगर 8 हॉट सीटों की बात करें तो वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य 12 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन बड़े नेताओं में भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 केंद्रीय मंत्री, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं कांग्रेस से बड़े नेताओं में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो कि 2019 में जोधपुर से चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे, लेकिन अब सीट बदलकर जालौर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना और वर्तमान विधायक हरीश मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो अन्य दलों के 2 विधायकों में भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रखी है, जिसमें इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय फंसा हुआ है। ऐसे में इन सीटों पर दिग्गज नेताओं द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़ी बड़ी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं, और दोनों ही दल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की 2 वो सीटें जो भाजपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी है, इन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, जो कि दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ा रही है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर भाजपा से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल है, लेकिन दोनों नेताओं की मुसीबत बने रविंदर सिंह बाटी वर्तमान में शिव से विधायक है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे, पार्टी से टिकट मांगा लेकिन दिया नहीं, और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, भाजपा ने इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन भाटी ने नामांकन वापस नहीं लिया और यह सीट त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में बदल गई। तो वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा रोमांच बना हुआ है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत मालवीय चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से निष्कासित अरविंद डामोर चुनाव मैदान में है। अगर अन्य दल की बात करें तो बीएपी से विधायक राजकुमार रोत है। राजकुमार रोत वर्तमान में 84 विधानसभा से विधायक है। रोत लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। इस सीट पर कांग्रेस बीएपी से गठबंधन कर बीएपी को समर्थन तो दे रही थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में बदल गया। अब ऐसे में किसकी जीत होगी, इसके समीकरण तो 26 अप्रैल को मतदान का दिन बताएगा कितनी फीसदी वोटिंग होगी, और 4 जून की तारीख तय करेगी कौन लोकसभा में जीत कर जाएगा।